हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है भाई आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू स्टार गेमिंग चैनल। तो दोस्तों आज हम फिर से खेलने वाले हैं फार्मिंग सिमुलेटर 19 और ये है कनाडियन फार्म मैप 5। तो यार मुझे अपने घर वाली की याद आ रही थी कनाडा वाली की, तो मैं कनाडा वापस आ गया हूँ। और यार मैंने कभी देखा नहीं, मेरे घर के ऊपर एक झूला लगा हुआ है बहुत बढ़िया सा, और मैं झूले के ऊपर बैठ नहीं सकता हूँ लेकिन मैं खड़ा हो सकता हूँ। तो चलो एक काम करते हैं, थोड़ा झूला झूल लेते हैं देखो ऐसे ऐसे करके माउस से, क्योंकि भाई असली में तो झूला नहीं जाएगा, तो ऐसे ही झूल लेते हैं थोड़ा सा। ये देखो क्या मज़ा आ रहा है भाई ये। चलो भाई बहुत हो गया झूला झूला, अब चलते हैं नीचे। आज करनी है भाई, चल मार छलांग। नहीं मारेगा भाई, छलांग नहीं मार। तो आज करनी है भाई ट्रैक्टर की टेस्टिंग, और ये बैठी अपनी घर वाली प्यारी प्यारी। कर ले फ़ोन कर ले। चलो भाई फ़ोन करने दो इसको। तो आज मेरे पास है भाई दो ट्रैक्टर न्यू हॉलैंड के, एक की टेस्टिंग करेंगे आज भाई। तो छलांग क्यों नहीं मार रहा, क्या चक्कर है तेरा। हाँ अब मार रहा। तो टेस्टिंग करते हैं भाई उसकी, और 5 मीटर का प्लो, 10 मीटर का प्लो और अपनी ट्रॉली के साथ। तो कई भाई रिक्वेस्ट कर रहे थे कि फैक्ट्री मत लगाओ और भाई टेस्टिंग करो ट्रैक्टर की। तो यार टेस्टिंग कर लेते हैं, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है। तो काउंटी इसकी कर दी क्या यार, वो इतने साल हो गए, इतने दिन हो गए, मतलब मुझे ध्यान नहीं है अब इसकी कर दी नहीं कर दी। काउंटी 1124 की नहीं करी तो मुझे बताना, मैं कर लूँगा टेस्टिंग कर देंगे इसकी। तो इंडियन ट्रैक्टर तो सारी हमने टेस्टिंग कर दी है, और ये फोर्ड यार ये कहाँ कहाँ से आ गई ये ट्रैक्टर। अच्छा मैंने डाउनलोड करके रखे हुए ये, मुझे लगता है इनकी टेस्टिंग मैंने करी नहीं अभी, तो मुझे बताना इस फोर्ड की भी कर दी नहीं करी। तो शायद नहीं करी मेरे हिसाब से। तो बेंस गेमर आ गया, और बेंस गेमर, अब बेंस गेमर बहुत हो रहा है भाई, क्या चक्कर। और बेंस गेमर गेम, बेंस गेमर छाया हुआ है यहाँ पे। और ये इसकी कर दी है न्यू हॉलैंड की 4290। तो अपने पास है भाई ये टी सीरीज 2012 मॉडल न्यू हॉलैंड। और आगे चलते हैं तो एक और था ये, नहीं भाई वर्क मास्टर सीरीज। तो इसकी हॉर्स पावर ये है ओपन, ये है कैबिन वाला। तो भाई कैबिन वाला बेकार लगता है, इसको लेंगे आज, इसकी कर लेते हैं। ये देखो भाई ओपन है भाई, न्यू हॉलैंड वर्क मास्टर 55 सीरीज ओपन स्टेशन। वाह भाई वाह। और इसके अंदर ऑप्शन 90 किलो का वेट, ओ भाई 100 किलो का वेट, 225 किलो का वेट, 405, 585, 765। अबे कितना वेट लगा रखे हैं भाई, एक दो लगा दो। तो आगे लगा लेते हैं भाई वेट 1000 किलो का, लो भाई। और टायर ऊंचे वाले ले लेते हैं ये, और व्हील सेटअप, व्हील सेटअप पीछे वेट लगा लेते हैं। फेंडर, फेंडर चाहिए, फेंडर क्या करने हैं, नहीं ले लेते हैं यार भाई, कीचड़ लगेगा नहीं तो पजामा गंदा हो जाएगा, जैकेट था पजामा आज गंदा हो गया। तो कनोपी भी है ऊपर, कनोपी अच्छी लग रही है यार वैसे तो, चलो हटा देते हैं कोई दिक्कत नहीं है भाई, धूप सेकेंगे ना। और ये वर्क मास्टर 75 ये क्या चीज़ है। अच्छा इंजन, अच्छा तो इसका इंजन है 55 हॉर्स पावर का, और इसको मैंने लगा दिया अब वर्क मास्टर को, इस हॉर्स पावर होगी 75 की 75। और फ्रंट यस आलो, ये आलो क्या भाई, एक मिनट, नो नहीं चाहिए भाई। तो इसको करते हैं एक बाई कर लेते हैं, चलो यार बहुत पैसे अपने पास। तो जो जो मैंने ट्रैक्टर आपको बताए हैं मुझे बताना कि इनकी टेस्टिंग हो गई है, इसकी तो नहीं करी मुझे पता है, इसकी टेस्टिंग नहीं करी। ये देखो कितना शानदार है भाई न्यू हॉलैंड TL75। तो मैंने इसको इस्तेमाल करा था नहीं करा था मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा यार, काफ़ी दिन हो गए खेती बाड़ी नहीं करी फैक्ट्रियों के चक्कर में। तो फैक्ट्री लगाएंगे कल परसों, आज करते हैं इसकी टेस्टिंग। ये आगे भी अपना ट्रैक्टर एक बार देखते हैं इसको। तो इसके आगे भी वेट लगा हुआ 1000 किलो का मान लो। और लाइटें वाइटें लगी हैं आगे दो भाई, बहुत ही शानदार लग रहा है। और आपने देखा नहीं होगा वर्क मास्टर 75, किस किस को इस ट्रैक्टर के बारे में पता है मुझे कमेंट करके बताना। और PTO गियर भी लगा है, इसकी हिच ज़्यादा बड़ी तो नहीं है, चलो अपना काम शायद हो जाएगा। चलो चलते हैं इसके अंदर, और इसको मैंने कुछ नहीं कराई, ओरिजिनल ट्रैक्टर है भाई एकदम बढ़िया। और एक मिनट हॉर्न, अबे वाह भाई वाह, इंटरनेशनल हॉर्न लगा हुआ है इसमें बहुत बढ़िया वाला। और इसके टायर भाई पतले पतले से क्यों है, मतलब टायर इसके ऐसे ही ओरिजिनल है। और लाइटें भी ज़बरदस्त है ये भाई, कितनी सारी लाइटें हैं, अच्छी लग रही है। इंडिकेटर, इंडिकेटर है भाई, इंडिकेटर चल रहा है दोनों बढ़िया, और बीकन नहीं है इसके अंदर, चलो। और साइलेंसर बहुत ही पतला सा है इसका, देखो काफ़ी छोटा पतला सा लग रहा है देखो। और भाई अंदर से इसका ऐसा नज़ारा, क्या आवाज़ है भाई, बहुत ही बढ़िया। देखते हैं जंप मार देगा, 53 की स्पीड है वैसे इसकी, जंप मार नहीं सकते।
कार मार नहीं पाएगा जंप। देख लेते हैं एक बार, अभी टेस्टिंग भी करते हैं। वो लाइट तो बंद कर दो भाई, भाई दिन का टाइम है, लाइट दिला के क्या करेंगे। तो ये जा रहा है, स्पीड देखते हैं इसकी, आई मीन जंप देखते हैं इसका कैसे मारेगा। 53 की स्पीड पर नहीं मार पाएगा, जा रहा है भाई। ओ भाई भाई इंजन में बहुत ताकत है इसके सच में। ए वाह भाई, क्या शानदार तरीके से नीचे लैंडिंग हुई है, बहुत ही ज़बरदस्त। और यार 53 की स्पीड के बावजूद जब ऊपर गया जंप मारा इसने तो 40 की स्पीड दी, यानी कि इसके इंजन में भाई बहुत जान है। और वुल हो चुकी है शीप के पास काफ़ी सारी, दिमाग खा रही है मेरा कि उसको हटाओ। अच्छा हटा देंगे भाई। तो ये आगे अपना न्यू हॉलैंड वर्कमास्टर 75, अब लगाते हैं भाई इसके साथ 5 मीटर का प्लो, देखते हैं इसमें कितनी ताकत है। 75 हॉर्स पावर का ओरिजिनल ट्रैक्टर है भाई, कोई मॉडिफिकेशन नहीं इसके अंदर एक पैसे की भी। ये भाई अपना प्लो। भाई मैंने बहुत मिस किया इस जगह को यार, इतने दिनों से यहाँ पर टेस्टिंग नहीं करी, और मज़ा आएगा आज, देखते हैं क्या। और भाई मैंने कोन हटा कर यहाँ पर लगा दिया गाजर, देखो भाई। तो आज काटेंगे अपनी गाजर, गाजर को प्लो करेंगे, नीचे करते हैं इसको। ये खींच दिया भाई, भाई 5-6 पे खींच रहा बहुत ही आराम से। मैंने पहले ही बताया था इंजन में जान है भाई, लेकिन एक साइड को भाग रहा है ये सीधा चल, लेकिन थोड़ा सा ओ हट गया। ओ भाई गरारी फंस गई। तो ये फेंडर लगाने से क्या होता है कि जो छींटे पड़ते हैं ना कपड़े के, उसके कीचड़ के छिट्टे पड़ते हैं, तो उससे हमारे भी कपड़े गंदे नहीं होते। तो पजामा वगैरह अपना जो पहना होता है, धोती वगैरह जो भी आप पहनते हो, वो गंदा नहीं होता। ओके लो भाई, 4-5 पे खींचा, लेकिन इसके साथ छोटा प्लो चलेगा, इतना बड़ा नहीं खींच पाएगा भाई, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ये रुक क्यों रहा है भाई बीच बीच में, ये नहीं समझ आ रहा। इधर चलना, वो इधर चल काके, गाजरा गुजरा पड़ती हैं सारी हाड़ी में। लो भाई चलो छोड़ देते हैं इसको, तो 4-5 पे खींच रहा है। इसके साथ भाई छोटा प्लो लगाना पड़ेगा, क्योंकि ट्रैक्टर का साइज भी देखो छोटा सा ही है। अपना बंदा कितना बड़ा लग रहा है प्लेयर, अब मतलब बंदा बैठा हुआ ट्रैक्टर से बड़ा लग रहा है साइज। तो इसके साथ लगाते हैं 10 मीटर का प्लो, 10 मीटर के प्लो को तो नहीं हिला सकता ये भाई, इतनी ताकत नहीं है इसमें। चलो देख लेते हैं अभी, आ जा भैया आ जा। तो कल मैंने वीडियो नहीं डाला यार, मैं ज़रा बिजी था अपने BMG गेमर चैनल के साथ, क्योंकि यूट्यूब कर रहा है, यूट्यूब की माँ की बहन की आँख, यूट्यूब यार पता नहीं भाई क्या करता है यूट्यूब यार, उस चैनल को मोनेटाइज नहीं कर रहा, कह रहा है कि रिपीटिव कंटेंट है। अबे भाई, अबे यार, एक तो यूट्यूब ने दुखी कर रखा है मेरे को, और एक ये देखो सच में यार दिल कर रहा है सारे चैनल डिलीट करके और छोले भटूरे की दुकान खोल लूँ। अबे चल ले भाई, और भाई इससे तो भाई ये तो प्लो को खींच ही नहीं पा रहा। एक मिनट भाई, सीधा लेके चलता हूँ, रुक जा मेरे भाई, 1000 किलो का वेट भी लगा लेकिन प्लो को लेके नहीं जा रहा। चलो यार एक काम करते हैं, उस खेत में चलते हैं, इसमें आते हैं इसमें। भाई उधर को मोड़ रहा हूँ, ये मोड़ ही नहीं रहा, डांस कर रहा है। तो कल यार परसों तो मेरी खोपड़ी ख़राब थी, खोपड़ी ख़राब हो गई थी, गूगल ने ईमेल करी थी, तो मैंने काम नहीं करा। और कल भाई मैं उसमें वीडियो डाल रहा था और नए नए बना के, तो इसलिए मैंने कल इस चैनल स्टार गेमिंग पे कोई भी वीडियो नहीं डाला। और यार कई लोग हैं छोटे छोटे बच्चे 12-15 साल के, मेरे वीडियो चुरा चुरा के अपने चैनल पे डालते जा रहे हैं भाई, मैं उनको कॉपीराइट मार मार के दुखी हो गया हूँ। अबे भाई बंद कर दो, किसी के वीडियो चोरी मत करो, किसी के मतलब कि मेरे भी मत करो, किसी और का भी मत करो। लो भाई ये तो 0 पे खींच रहा है ना, इससे नहीं हो पाएगा, इससे नहीं हो पाएगा काके, चल इसके भाई के पटाके। तो भाई वीडियो चोरी करके मत डालो, कॉपीराइट आ जाएगी, गूगल अपने आप, मैं तो ढूंढता नहीं हूँ, गूगल अपने आप बता देता है यूट्यूब कि भाई इसने तुम्हारी वीडियो कॉपी करके डाले हुए हैं, क्या करना है, तो फिर वो स्ट्राइक मार देता है। मैं गूगल को बोलता हूँ कि उनको हटा दो, लेकिन यूट्यूब क्या करता है कि उनको हटाने के बजाय क्या करता है, स्ट्राइक मार देता है। भाई मैं कोई स्ट्राइक नहीं मारता हूँ, लेकिन यूट्यूब मार दो। तो कॉपी मत करो यार, वीडियो पूरे चोरी मत करो किसी के, अपने बनाओ यार, कमाल है। और चलते हैं इसको लेके, अब प्लो है छोटा सा, और कल्टीवेटर है भाई 8 मीटर का, देखते हैं इसको खींच लेगा क्या। तो भाई अब हमारा चैनल है, मान लो आप भी, आपका भी चैनल होगा ठीक है, अगर आपके चैनल पे एक हफ्ते के अंदर
1000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं और 4000 का घंटे का वॉच टाइम भी हो जाता है, तो इसमें हमारा की हमारी क्या गलती है भाई? YouTube को ऐसा लग रहा है कि हमने वो खरीदे हैं, हमने व्यू भी खरीदे हैं, हमने सब्सक्राइबर भी खरीदे हैं। भाई ऐसा थोड़ी है, सब असली है और YouTube को लग रहा है कि हम धोखेबाज बंदे हैं। ओ भैया एक काम करो, YouTube को बंद ही कर दो, मैं तो कह रहा हूँ सच में, कोई और काम कर लेंगे। ऐसे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं आजकल, बहुत काम करते नहीं है, पढ़ते लिखते नहीं है, और सबको चैनल बनाने हैं, सबको गेमिंग गेमर बनना है, इंटरनेशनल गेमर बनना है सबको। वो कहते हैं चिचड़ धोने आते नहीं है तो गेम खेलने लग पे पंजाबी। तो गल वही है कि भाई अभी पढ़ लिख लो भाई, पहले 18-20 साल के हो जाओ, 12वीं पास कर लो, फिर गेमर बन जाना। और ये बच्चे छोटे छोटे वीडियो चोरी कर करके दूसरों के अपने चैनल पर डाल लेते हैं, सोचते हैं हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, हम पैसे कमाएंगे, तो भाई ऐसे नहीं होता। चलो यार ये देखो 8 मीटर का इसने कल्टीवेटर खींच दिया भाई, 9 की स्पीड पे, बहुत ही शानदार कल्टीवेटर के साथ, बहुत अच्छा टेस्ट कर रहा है भाई। चलो भाई ओके, इसको करते हैं बंद और चलते हैं 24 मीटर के कल्टीवेटर के पास, देखते हैं इसको खींचेगा कि नहीं। तो आज मैं टेस्टिंग भी कर रहा हूँ, थोड़ा आपको बता भी रहा हूँ ज़िंदगी के बारे में, मतलब यूट्यूब के ऊपर आने से पहले ये सोच लेना। एक और BMG का बंदा है, उसकी मुझे अभी मैसेज आया है उस पर इंस्टाग्राम पे कि भाई उसका चैनल भी मोनेटाइज नहीं हुआ, क्योंकि उस भाई के भी 15 दिन के अंदर मिलियन व्यू आ गए, लेकिन गूगल ने बोला है कि यूट्यूब ने उसको रिजेक्ट कर दिया, उसकी मोनेटाइजेशन ऑन नहीं करी। उसका मैसेज आया बेचारा रो रहा है मेरे पास बैठा, तो मैंने उसको बोला था कि कम से कम 1-2 महीने रुक जा, एक उसके बाद अप्लाई करियो। तो उसने 10 दिन बाद ही अप्लाई कर दिया मोनेटाइजेशन के लिए। तो YouTube को लग रहा है कि ये धोखे से व्यू ला रहे हैं और धोखे से कहीं से सब्सक्राइबर लेके और इन्होंने चैनल मोनेटाइज करवा दी। बताओ यार, उस बंदे को भी गुस्सा आ रहा है यार, मुझे भी आ रहा है, लेकिन अब क्या करूं भाई, इतनी मेहनत से वीडियो बनाओ, एक एक वीडियो में 4-4, 5-5 घंटे लगते हैं BMG के, उसके बाद भी रिजेक्ट हो जाए तो क्या करें? ये डाउन कर लिया क्या? नहीं भाई डाउन नहीं किया, चलते हैं इसको लेके। ये भाई ओ यार 24 मीटर का कल्टीवेटर खींच दिया इसने भाई, भाई ताकत है इसमें इंजन में तो यार बहुत। देखो 10 मीटर का प्लो इसने खींचा, क्यों नहीं पता है, क्योंकि वो हैवी है, बहुत ज़्यादा भारी है, उसका भार बहुत ज़्यादा है। वो आगे हो गया होना 1 मिनट, तो ये क्या हुआ भाई, अभी तो चल रहा था। नज़र लगा दी यार तुमने, नज़र लगा दी भाई, पक्की बात है, नज़र लगा। इसके पहिए कैसे मुड़ गए? 1 मिनट देखो, इसके पहिए मुड़ गए तभी निकल रहा, अब सही हुआ, ये पहिए मुड़ जाते हैं तब नहीं चलते। ओ भाई अब फिर भी चल रहा, 1 मिनट थोड़ा आगे लेके चलते हैं, अब चल रहा, वो चलता है 3-4 पे फिर रुक जाता है। तो ये छोटा कल्टीवेटर खींच पाएगा? चलो तो इसके साथ भाई छोटा कल्टीवेटर लगाना पड़ेगा। ये अगर आप किसी वेबसाइट से जाके इसको सर्च करोगे ना, न्यूलैंड वर्कमास्टर 75, तो ये ट्रैक्टर आपको मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर लेना इसको, और अच्छा ट्रैक्टर है भाई, छोटा सा, और देखो बिना ऊपर छत भी नहीं है, बहुत अच्छा लग रहा है। और इसके अंदर मॉडिफिकेशन करके वूफर शूफर लगा सकते हो भाई, बहुत बढ़िया। तो इसके साथ प्लो चलेगा 3-4 मीटर का, और भाई कल्टीवेटर इसके साथ चलेगा 6-8 मीटर का, बस इससे ज़्यादा नहीं। और गाड़ी वाला जा रहा है, इसको उड़ाते हैं आज, ये तरी ऐसी की तैसी, ये गाड़ियाँ नहीं है भाई, ये भुलाद की गाड़ियाँ, ये भुगती नहीं है ना इनको कुछ होता, तो बहुत ही सख्त जान है। लो भाई अब लगाते हैं इसको ट्रॉली और देखते हैं क्या माल खींच पाएगा ये। तो भाई अगर आपका यूट्यूब चैनल है और मोनेटाइज के लिए वो तैयार है, और आपका चैनल नया है 15 दिन पुराना है, तो अभी अप्लाई मत करना, अप्लाई करना कम से कम जब तक आपके चैनल को 1-1.5 महीना ना हो जाए, नहीं तो यूट्यूब कहेगा ये नकली व्यूअर है और नकली सब्सक्राइबर है। लो भाई अब इसमें भरना है मेरे को गन्ना फटाफट, और आप गन्ना अपना आगे होता है थोड़ा सा, एक स्किप ये भाई ट्रॉली 5 लाख की, ये आ गया गन्ना 5 लाख, तो गन्ना भरता हूँ मैं इसके अंदर पहले 3 लाख। ट्रैक्टर देखो, ट्रैक्टर का साइज़ देखो, और भाई ट्रॉली का साइज़ देखो, कितना छोटा लाया ट्रैक्टर भाई, बच्चा ट्रैक्टर है ये। तो यार थोड़ा आगे करते हैं, लो भाई 3 लाख गन्ना, 3 लाख गन्ना लेके न्यूलैंड जा रहा भाई। भाई न्यूलैंड के ट्रैक्टर वैसे ही बहुत बढ़िया होते हैं, ट्रैक्टर सारे बढ़िया होते हैं, ये नहीं कि सारे ट्रैक्टर बहुत अच्छे हैं, और ये न्यूलैंड का ट्रैक्टर है भाई, न्यूलैंड के ट्रैक्टर में भी बहुत जान होती है। ये लो शानदार कटिंग भाई, बहुत ही बढ़िया,
और पूरा भाई का देखो स्टेयरिंग के ऊपर पूरा बैलेंस है, कुछ भी मतलब गड़बड़ नहीं है ना इधर उधर, जिधर मैं काट रहा हूँ भाई उधर वो कट रहा है। तो इसका पहिए अभी तक मतलब टच बिल्कुल टच है जमीन के साथ। ये क्या हुआ? अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी भाई, गलती हो गई थोड़ी सी, इधर के लाने आ जा भी आ जा। तो बहुत दिन से टेस्टिंग नहीं करी थी, मैंने कहा चलो आज टेस्टिंग करते, कई भाई कह भी रहे थे टेस्ट टेस्ट करो टेस्ट करो। तो फैक्ट्री मुझे अभी लगानी है, दो चार और बची हैं बस। लो भाई गन्ना इसमें भर देते हैं हम पूरा 5 लाख, देखते हैं 3 लाख तो इसने खींच दिया, 3 खींच दिया 5 भी खींच ही देगा। ए भाई 5 लाख गन्ना ले भाई, ओए हो सुपर भाई, सुपर सुपर कटिंग भाई, गदर भाई। छोटा सा ट्रैक्टर 76 हॉर्स पावर का यार, देखो उम्मीद नहीं थी मुझे इतना बढ़िया काम कर देगा। ओ गाड़ी वाले कहाँ जा रहे इधर, साढ़े तेरे फोड़ उधर को, ये क्या हो गया? अबे यार वो रास्ते में क्या आ गया, ओहो यार फंस गया, ओहो यार ये क्या हो गया, अब चढ़ाई देता मैं उसके ऊपर। ओ चल चल चल, एक मिनट ये निकलेगी नहीं, अब एक सेकंड ट्रॉली को थोड़ा यार इधर कर लेता हूँ बस, ठीक है अभी टाइम ख़राब होगा फ़ायदा क्या। लो भाई 5 लाख गन्ना लेके चल पड़ा अपना न्यूजीलैंड वर्क मास्टर। आ जा बेटा गाड़ी तो नहीं आ रही, ओ भाई आगे पेड़ आ गया, रुक 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 रुक, काट 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 बस ठीक है। और बाकी गेम भी खेलनी थी यार, स्नो रनर भी खेलनी थी। स्नो रनर आपको पसंद नहीं आ रही क्या? बंद कर दूँ क्या भाई? सच में यार 2000 व्यू भाई, इतनी मेहनत से वीडियो बनाओ, इतनी बकवास करो, इतना गला फाड़ो यार, 2000 व्यू भाई क्या हो रहा है यार? अरे कोई 10-20 हज़ार व्यू तो लाओ यार, कमाल है यार, हद कर भाई। नहीं पसंद तो मैं सच में बंद कर दूँगा उस गेम को, फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं भाई, इतना टाइम ख़राब करके उसके ऊपर। इतने अच्छे अच्छे मिशन है उसके अंदर, इतना अच्छे ट्रक हैं सब कुछ है, लेकिन लोगों को पसंद नहीं आता। बस आपको सिर्फ ट्रैक्टर देखने हैं, खेती बाड़ी देखनी है बस, मैं मेरा चैनल सिर्फ इसी चीज़ के लिए। तो मैं सोच रहा हूँ सारी गेम बंद करके और रोज़ खेती बाड़ी करा करूँ, क्योंकि भाई जिस पे चैनल जिस वीडियो को लोग पसंद करते हैं मतलब उसी को देखो, उसी को मतलब डालूं, बाकी वीडियो डाल के क्या फ़ायदा। तो अब भरने इसके अंदर भाई अपने को क्या भरते थे यार, हम क्या भरते थे इसके बाद? कनोला। अच्छा मैं भूल गया, बहुत दिन हो गए टेस्टिंग करी। एक मिनट कनोला के लिए भाई चलते हैं इधर, ये रही कनोला। तो कनोला इसके अंदर अभी डालते हैं 2 लाख अपन भाई, 5 लाख कनोला नहीं, पता नहीं खींच पाएगा नहीं खींच पाएगा। ओ भाई उठने लगा, ये तो उठने लगा उठने लगा, बस बस कितनी हो गई भाई? 2 लाख 32 हज़ार। ये पीछे को क्यों जा रहा है अपने आप ये? ओ भाई इसके, ओ भाई इसके टायर देखो यार, आग ही हो गया, इसके टायर और मडगार्ड आपस में भिड़ गए हैं। नहीं भाई नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं मुश्किल है, मुश्किल मुश्किल मुश्किल, नहीं नहीं ज़्यादा ही डाल दी जोश जोश में, चल पड़ा चल पड़ा चल पड़ा। तो ये मेरे ख्याल 1.5 लाख माल खींचेगा ज़्यादा, कटिंग नहीं हो रही, कटिंग नहीं हो रही, देख लो। और ये किधर को जा रही हैं और ये ट्रैक्टर किधर को जा रहा है, इसी से पता लग रहा है कि भाई इसके ऊपर बहुत लोड पड़ चुका है। ये उठा 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 उठा, ये भाई कोई जोर नहीं इसका, ये लो भाई वर्क मास्टर के अपने फट्टे चक दिए आज। लो भाई ये देख लो न्यूजीलैंड, और ये 4x4 है देख रहे हो, चारों पहिए घूम रहे हैं, अगले पहिए में भी जान है। चलो पीछे तो काट दे बट, अबे भाई इसको उसमें डालना है यार, साइलो में डालना है माल वापस। ये न्यूजीलैंड वर्क मास्टर, अच्छा 75 इसलिए लिखा है क्योंकि ये 75 हॉर्स पावर का। चल 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 चल, नहीं भाई बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल ज़िंदगी हो गई। ओ ये तो अपने आप ही खड़ा हो गया। तो चलो यार ठीक है, इसको करते यहीं पे एंड। गाजर भी इसके अंदर 1-1.5 लाख गाजर खींचेगा और ये इतना ही माल खींचेगा, इससे ज़्यादा नहीं खींचेगा, देखो खड़ा हो गया। कोशिश करता चलो एक बार इसको साइलेंट में डालने की यार, बस एंड करते हैं इसका। ओ चला 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 भाई चला, इधर को चल इधर को चल, अबे उस तरफ को चल। तो गाजर इसने गाजर ये इतनी खींचेगा 1 लाख, कनोला खींचेगा 1.5-1.5 लाख के आसपास, यहाँ 2 लाख बस, इससे ज़्यादा नहीं खींचेगा। बाकी आप इस ट्रैक्टर को डाउनलोड करो और इसके साथ मजे लो, ओके दोस्तों जी। ये फुल भाई इतना खड़ा होगा ये फुल, ये क्या बढ़िया लग रहा है। चलो दोस्तों ओके, ये था आज का गेम प्ले और ये था इसका टेस्ट न्यूजीलैंड वर्क मास्टर 75 का, कैसा लगा बताना।
और जो जो बातें मैंने बोली है चैनल के बारे में, भाई उसका भी ध्यान रखना अगर आपका चैनल है तो। जो छोटे बच्चे मेरी, उनको यही राय है कि भाई अभी पढ़ लिख लो, और किसी के वीडियो चोरी करके ये मत सोचो कि आप भी गेमर बन जाओगे या मतलब आपका चैनल मशहूर हो जाएगा या बड़ा बन जाएगा, तो ऐसे मत सोचो। पहले पढ़ाई लिखाई कर लो यार, माँ बाप का पैसा क्यों ख़राब करते हो। चलो ओके, मैं कोई बाबा तो उन्हें ज्ञान दूँ आपको, बाकी आप खुद समझदार हो। चलो दोस्तों ओके, ये था ग्रैंड फार्म मैप के अंदर टेस्टिंग का वीडियो, कैसा लगा बताना कमेंट लाइक करके, और अगर आप नए आए तो सब्सक्राइब कर देना। और आज मैं अब इसके बाद खेलने वाला हूँ स्नो रनर, और आज मुझे अपग्रेड लेनी है, सारी अपग्रेड आज मैं लूँगा एक नई गाड़ी से। वो गाड़ी देख के आपको मज़ा आ जाएगा ज़िंदगी का, फिर दिखाता हूँ आपको वीडियो जल्दी। ओके दोस्तों, बाय बाय, खाओ पियो स्वस्थ रहो और मस्त रहो। हाँ सही समझा, सही पहचाना, सही पकड़े।